हम लोग का कुकुड़ा का पोस्ट ऑफिस है। ट्राई कर रहा हूँ। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत करता हूँ आपको मेरा एक नया और फ्रेश वीडियो में। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हो राहुल ही ब्लॉग्स। तो आज मैं मेरे मम्मी के साथ जा रहा हूँ मार्केट, कुकुड़ा मार्केट, जो कि कुकुड़ा मार्केट हम लोग का पोस्ट ऑफिस है कुकुड़ा यहाँ का। तो गांव का मार्केट है तो सुबह बैठ जाता है, तो मम्मी के साथ हम लोग जा रहे हैं बाजार करने के लिए। छोटा सा मार्केट होता है, कुछ सब्जी खरीदेंगे और आज का दिन इसी तरह से शुरू करने वाले हैं। और सुबह सुबह मैंने एक छोटा मोटा काम भी किया, मेरा जो पातरी जो पेपर प्लेट्स बनाता हूँ तो एक जगह ऑर्डर था तो उनको दे के आया मैं। और फिलहाल वो तो ब्लॉग में डाल नहीं पाया प्राइवेसी के चलते, तो अभी बाज़ार जा रहे हैं। तो बाज़ार का कुछ इसी तरह शुरुआत करते हैं ये नया वीडियो को। तो हम लोग बाज़ार के लिए निकल गए हैं, मेरा नानी को सर्फ देना था तो वहीं रुके हैं, बस उनको दे के हम लोग निकल जाएंगे अभी। और मौसम देखो कितना मस्त कर रहा है, हवा चल रहा है कितना मस्त। और ये वाला हम लोग का कुकुड़ा का पोस्ट ऑफिस है। मैंने हम लोग बाज़ार पहुंच गए, देख सकते हो बहुत छोटा सा बाज़ार है ये। और ये सुबह सुबह बैठ जाता है, अभी लगभग 8 बज रहा है। और यहाँ पे सारा विलेजर जितना भी गांव का लोकल चासूस करके आते हैं, फ्रेश फ्रेश मिलता है। तो हम लोग राजगांवपुर बहुत ही कम ही जाते हैं, लगभग यहाँ एक ठो और एक कुरमुरू है बल्कि बाजार, उसमें जाते हैं बाजार करने। कैसे ही 20 रुपये।20 रुपये टमाटर पाए 30 रुपया, प्याज कैसे? हाँ 25। नहीं होता नहीं। अदरक 60, अदरक 60, 60 साठ 120, 80, 220। आलू कैसे? तो ये है हम लोग का बाजार छोटा सा, जहाँ हल्का फुल्का कपड़ा भी मिलता है, उससे राशन भी मिलता है, और खाने पीने के सब्जी उब्जी सब मिलता है। यहाँ पे डेली यूजेस के लिए भी सब कुछ मिलता है, चप्पल। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटा बैठता है, अभी लगभग और आने वाले हैं व्यापारी। यहाँ भिंडी 15 रुपये पाव, लूट हो जा रहा है यहाँ पे सब्जी के लिए। तो हम लोग का मार्केटिंग सब कुछ ख़त्म हो गया है, ज़्यादा सब्जी नहीं लिए हैं। लौकी, भिंडी, परवल, प्याज, आलू, जो भी कॉमन जो डेली यूज़ होता है वो, और बूंदी सब थोड़ा मोड़ा लिए, क्योंकि घर में अभी हम लोग 2 ही मेंबर हैं, सबसे ज़्यादा क्या सब्जी लेना है। तो मम्मी वही बोल रही थी 350 आसपास खर्चा हुआ है। तो फिलहाल अभी ये मार्केटिंग हम लोग यहीं से निकल रहे हैं, हो गया मार्केटिंग, मम्मी बस लौकी लेके आ रही है। सो फाइनली आई एम बैक टू होम दोस्तों। और पहले आके सबसे पहले फ़ैन चलाया मैं और पानी पी लिया, और अभी सोच रहा हूँ कि
सैलून जाके बाल कटा लो, सैलून जाके बाल कटा लो, लंबा लंबा बाल हो गया है। कोई फैंसी सैलून नहीं, एक ठू अंकल है तो उन्हीं के पास जाने वाला हूँ। 50 रुपये में बाल काट देंगे। मैं तो कोई डिजाइनर कट कटना है नहीं, सिंपल काटना है, तो बस उनके पास जाके बाल काट लूंगा और जो भी आगे होगा आपको जरूर दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग को यहाँ पे बारिश आ रहा है और आप लोगों को पता होगा बारिश में कुछ गर्मा गर्म खाने सबको पसंद है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ बना लेता हूँ। तो मैंने बनाने का कोशिश कर रहा हूँ अभी कुछ, तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि मैं आज क्या बना रहा हूँ। तो मैंने ये बैटर बनाया है पकौड़ी बनाने के लिए और यहाँ पे एक स्लॉट बैठा दिया हूँ। ये जब हो जाएगा इसको थोड़ा सा क्रंची होने तक फ्राई कर रहा हूँ। मैं बेसिकली यहाँ पे बैटर में ऑनियन और आलू को ये इसके थ्रू ये कर लिया मैंने, और प्याज को स्लाइसेस में काट लिया और बस बेसिक सा बैटर है तो कुछ इस तरह का बना है। मम्मी को देते हैं टेस्ट करने के लिए। नमक कम है? ठीक है। खा करेगी? खाया रे नमक का। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग खेत जा रहे हैं, खेत में एयर बांधेंगे जो पानी अभी आना शुरू हो गया है। तो अगर मतलब आयर नहीं बांधेंगे तो पानी चला जाएगा, जमा नहीं होगा, तो अभी आयर बांधने के लिए जा रहे हैं। रास्ता देखिए, पहना चाहिए पूरा। गाइस, फाइनली हम लोग अपना खेत पहुंच गए और ये रहा खेत, फिर उधर भी है, तो इसका एक जगह आयर बांधना है और एक दो है उसको हम बांध देंगे। फिर छोटी मम्मी भी आ रही है, उनका भी आयर को बांधना काटा है। देखिए, देख के चलना पर चप्पल खोल दिए हैं, चप्पल खोल दिए हैं, दब रहा है, चप्पल खोल दी, वैसे दब रहा है अभी। ये रहा खेत, यहाँ पे किसका चप्पल है मम्मी? यहाँ पे चप्पल है किसका? मैं जो प्रॉब्लम फेस किया मम्मी लोग भी कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी जाते हैं और दिखाऊंगा आपको मैं कहाँ बांधना है, ताकि पानी आए तो पानी रुके। बार बोला जा रहा है कि पानी का कोई ठीक समय है नहीं, आ भी जाएगा तो आएगा, तो आएगा नहीं आएगा तो नहीं आएगा। उसके लिए अपना खेत सबको बांध के रखना जरूरी है ताकि पानी जितना भी आए स्टोर हो जाए। तो एक जगह ये है, ये जगह एक तो बांधना है, फिर और आगे आगे ये एक जगह है, यहाँ बांधना है, ये जगह एक बांध देंगे, यहाँ से पानी जाएगा। तो बस यही है, यही है। तो पहले चलते हैं, काम कर लेते हैं, फिर आगे का मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। तो पानी अटकेगा ना, चलो। हाँ, मैं तो इसी में पसीना पसीना। इसको हल्का सा मूंद दिए हैं, पानी नहीं जाएगा, बस अभी इसको मूंद रहे हैं ये खेत को। इतना पानी रुक जाए, थोड़ा थोड़ा पानी जमा होने शुरू हो गया है, तो इसीलिए आगे से ही इसको हम लोग बांध दे रहे हैं खेत को। पानी रहेगा तो इस बार रोपा करेंगे सोच रहे हैं। अभी अलग खेत जाएंगे हम लोग बांधने के लिए।
अभी वाला खेत आ गया, ये भी एक ठो दुईन के नहीं भी, हाँ ये दुईन पानी वाला खेत है, इसको अभी बांधा जा रहा है। इधर का जितना भी खेत है सारा पानी वाला खेत है, ये भी सारा पानी वाला खेत है। और फिर उस तरफ जो है वो चावरा बोलते हैं, उधर का उस तरफ है, उधर भी है खेत, उधर भी जाएंगे। अभी इसको मूंद रहे हैं। सो गाइस, ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और वेट कीजिए मेरा नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन आप में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिएगा नोटिफिकेशन के लिए। प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, बताइए कि मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।